है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक यूनिक डिश लेकर आई हूँ, यानी जो कि बहुत आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, फलजर सोडा। और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये पीने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। पर मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप इसको आसानी से पी सकते हैं, क्योंकि जो कि हमें मार्केट में मिल रहा है वो बहुत ज्यादा तीखा होता है तो हम पी नहीं पाते, तो इसको बच्चे भी पी सकते हैं। अगर आपको मेरे फलजर सोडा की रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैंने जार ले लिया है, क्योंकि फुलजर सोडा के लिए सबसे पहले हमें उसकी चटनी बनानी है। तो उसके अंदर हम डालेंगे, ये मैंने दो हरी मिर्ची ली है, इस तरीके से मैंने इनके छोटे पीस कर लिए। एक इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और पुदीना, और ये हरा धनिया लिया है। तो ये सारी चीज हम जार के अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद ये मैंने दो नींबू का रस लिया है, वो डाल देंगे। ये काला नमक लिया है, ये मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है, वो ऐड कर देंगे। एक चम्मच हम व्हाइट वाला नमक लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये चीनी लेंगे, क्योंकि चीनी इसके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तीखा होगा तो फिर ये पिया नहीं जाएगा और मार्केट में आपको बहुत ही ज्यादा तीखा मिलता है। तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आप ये आसानी से पी सकते हैं। तो ये मैंने चार चम्मच चीनी ली है, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी, यानी दो चम्मच हम पानी डालेंगे। फिर इसके ढक्कन को बंद करके हम इसकी चटनी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। तो हमें इस तरीके का शॉट ग्लास लेना है और ये चटनी इसके अंदर हमें पूरी डाल लेनी है। तो इस तरीके से मैं ये चटनी से पूरा ग्लास भर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये ग्लास भर के बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने दो ग्लास ले लिए, तो आप ये ग्लास ले लें पर इसके नीचे ट्रे जरूर रखें। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये आइस, यानी आइस क्यूब डाल लिए हमें। उसके बाद हमें ये सब्जा के बीज डालने हैं, यानी इनको तुलसी के बीज भी बोलते हैं। आप 10 मिनट पहले भिगो के रख दें तो ये इस तरीके से ये फूल जाते हैं। तो ये मैं दो चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद लेना है हमें सोडा, तो सोडे को जब ही खोलना है और इसके अंदर डाल देना है ग्लास के अंदर। तो ये मैंने सोडा डाल दिया है। उसके बाद हमें ये इस तरीके से चटनी को लेना है, यानी ग्लास लेना है और इसके अंदर ऐसे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है, और आपको अब इसको एक झटके में पीना है। तो फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप अभी बाहर नहीं पी सकते हैं इसको, तो आप घर में ही इसको एंजॉय करें। अगर आपको मेरा फलजर सोडे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।